आज शाम 7 बजे होगा पीएम नरेंद्र मोदी का देशव्यापी संबोधन, होगी परीक्षा पर चर्चा, दुनिया भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से करेंगे संवाद। आज आएगी नए वित्त वर्ष की पहली आरबीआई पॉलिसी, ग्रोथ की रफ्तार को बूस्ट करने पर फोकस, ईएमआई में राहत की उम्मीद कम। बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए तेज हुआ प्रचार, आज भी कई जगहों पर होंगी राजनीतिक रैलियां, चौथे चरण के लिए बीजेपी टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, आज दमोह का दौरा करेंगे कमलनाथ, बैठक कर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जोरदार हुई किसानों की हुंकार, हरियाणा में आज किसान करेंगे महापंचायत, हजारों की संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी होंगी शामिल। एंटीलिया केस में आज होगी सुनवाई, सचिन वाजे को 7 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में भेजा गया, मनसुख हिरेन मामले में आरोपी हैं सचिन वाजे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, दूसरे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, दूसरे चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में आज होगा नगर निगम का चुनाव, 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों और कुछ पंचायतों में डाले जाएंगे वोट, पोलिंग बूथ पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। नेपाल की जनता को मिलेगी राहत, नेपाल आज से करेगा टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज, चीनी वैक्सीन का होगा इस्तेमाल। और दिल्ली वालों को कुछ दिन गर्मी से मिलेगी मुक्ति, आज आ सकती है आंधी, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अनुमान।